वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उमर इलेक्ट्रिक। डियर व्यूअर्स, आज हम आपको दिखाएंगे कि सीलिंग जिस छत में की जाती है वहां पे इलेक्ट्रिक वायरिंग पाइप कैसे इंस्टॉल किया जाता है। डियर फ्रेंड, सबसे पहले हमने ये वॉल कटिंग का प्रोसीजर पूरा किया, उसके बाद हमने ये पाइप जो है इसमें इंस्टॉल किए और इसमें इसका जो शीट का डूंगा है वो हमने एडजस्ट किया, और ये वाटर सप्लाई के लिए हमने वॉशरूम की जो है जरी वॉल कटिंग जो है क्लियर की, और ये सेकंड रूम है जिसमें हमने ये जरी लगाई और हमने पाइप इंस्टॉल किया। इसमें हमने ये एक मेन बोर्ड दिया है जिस पे हमारी तमाम सीलिंग की लाइट्स जो है वो ऑन होंगी, और सेकंड पे हमने ये बेड स्विच दिया है जो बेड के साथ स्विच होगा। डियर फ्रेंड्स, ये जो बेड स्विच है इसका डुगा जो है अभी तक नहीं दिया गया, तो ये हम इसकी जो है बक्स की जगह जो है बना रहे हैं। जब भी आप पाइप वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो पाइप इंस्टॉल करने के बाद आप जो शीट जो इलेक्ट्रिक शीट का बक्स है वो आप एडजस्ट करते हैं, तो उसको जो है आप कोशिश करें कि सीमेंट वगैरह जो है वो साथ ही उसके लगा लें, ताकि जो आपका बॉक्स है वो एक लेवल पर रहे और बाद में जो है प्लास्टर वगैरह के काम में दिक्कत भी ना हो और आपका बॉक्स जो है वो सही लेवल पर रहे। डियर फ्रेंड्स, आप बिल्डिंग के मुतलक पानी बिजली गैस और सेवरेज का काम करवाने के लिए हमें डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया गया है, उस पर रब्ता कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, याद रहे कि इस बॉक्स को सीमेंट जो है आप खुद ज़रूर लगाएं, ताकि आपका जो बॉक्स है वो बिल्कुल क्लियर और लेवल पर हो। डियर फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और हमारे उमर इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।